हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आए हैं। फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी है, इंटर्नशिप भी है, ठीक है। और इसमें बैच 2019, 2020, 2021, 2023 सभी एलिजिबल है, क्योंकि कहीं पे भी बैच आपका मेंशन नहीं है, कौन से ब्रांच वाले ये सब मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। बाकी आप देख ही सकते हो, मैं काफी अच्छी अच्छी हायरिंग लेके आता हूं आपके लिए। आप अगर आप किसी भी हायरिंग में एलिजिबल होते हो तो वीडियो को पूरा देखो, तभी आपको पता लगेगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है। और किसी भी कंपनी से अगर कोई अपडेट आती है तो वो भी वीडियो में जरूर लेके आता हूं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ठीक है। तो चलो हम अपना टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आ रही है आपकी न्यूटन स्कूल की तरफ से, एक इंटर्नशिप है, ठीक है। देख सकते हो, टेक्निकल कंटेंट इंजीनियर, मतलब कि कंटेंट राइटर की जॉब हो सकती है आपकी, ठीक है। इंटर्नशिप भी हो सकती है, आई थिंक आप वहां देख सकते हो। और भी काफी चीजें मांगी गई, देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल, देन गुड हैंड ऑन पाइथन और सीक्वल और जावा, रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट, गुड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो यहाँ पर और आपके जो ना वो भी मेंशन किए कौन कौन से राउंड होंगे, पहला टेक्निकल इंटरव्यू, दूसरा एचआर इंटरव्यू, ठीक है। तो बाकी आप पढ़ लेना, और कुछ तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये आपको नेविगेट कर देगा, आई थिंक क्या बोलते हैं, ये इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा इशू था। ये देखो, तो यहाँ पे आपने सीवी अपलोड करना है, ठीक है। स्क्रोल डाउन करते हैं, ये देखो सब कुछ आपने वन बाय वन फिल आउट कर लेना, ठीक है। तो अगली अपॉर्चुनिटी आपके डीएक्सी टेक्नोलॉजी की तरफ से है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, इसमें है आपकी टेक्निकल वॉइस सपोर्ट फॉर फ्रेशर ग्रेजुएट, लगभग 7 दिन पहले अपलोड की गई है। लोकेशन बैंगलोर की होने वाली है, तो ज्यादा कुछ तो मांगा नहीं गया है। तो देख सकते हो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 1 or 2 more एक्सपीरियंस इन टेक्निकल ट्रेनिंग इन कंप्यूटर सपोर्ट, मतलब कि अगर आपने इसमें लिया है एक वो क्या बोलते हैं ट्रेनिंग वगैरह, तो काफी फायदेमंद होगा। 2 or more year और एक्सपीरियंस और टेक्निकल और कस्टमर सपोर्ट एक्सपीरियंस, यहाँ बात हो रही है एक्सपीरियंस की, ठीक है। और ये ट्रेनिंग की, और एक्सपीरियंस ये नहीं कि आपने काम किया, मतलब आपको थोड़ा उसके बारे में पता हो। और बाकी कुछ चीजें जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट, टीम इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें हैं। और लास्ट अपॉर्चुनिटी हमारी एमडॉक्स की तरफ से, जो है आपकी सॉफ्टवेयर सपोर्ट इंजीनियर, ठीक है। लोकेशन आपकी होने वाली है पुणे की, और स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए साइंस आईटी कंप्यूटर साइंस में से, हो तो अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। और रिक्वायर्ड नॉलेज की अगर बात करें, C++, जावा, सीक्वल और यूनिक्स, ठीक है। ये मतलब प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि विंडोज है और आपका मैक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, वैसे ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें नॉलेज है तो अप्लाई जरूर करना। तीनों अपॉर्चुनिटी अच्छी है, न्यूटन स्कूल वाली मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, अगर आप 23 या 24 बैच से हो, ठीक है। आपको एक अच्छा सा क्या बोलते हैं ओवरव्यू मिल सकता है, ठीक है। बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हमारा बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।